सो हेलो गाइस, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच हो रहा था, दूसरा टेस्ट, उसका दूसरा दिन का भी खेल खत्म हो चुका है। अभी हम दोनों दिन का बात एक ही साथ करेंगे, जहां पर अभी अगर स्कोर कार्ड की बात करूं, इंग्लैंड अभी 507 रन बना चुका है और 9 विकेट गिरा था उनका, वो डिक्लेरेशन दे दिए। और अभी तक वेस्ट इंडीज की बात करें तो दूसरे दिन के खत्म होते होते उन्होंने 71 रन बना दिए हैं और 1 विकेट गिरा है। यहाँ पर भी देखने को मिला है बैटिंग पिच। अगर मैच के बारे में बात करें तो पहले दिन तो रूट के तरफ से शतक देखने को मिला और लॉरेंस थोड़े से मार्जिन से 91 रन बनाया, थोड़े से मार्जिन से अपने शतक से चूक गए, पर रूट ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। दूसरे दिन भी उन्होंने खेला और 153 रन बनाए और उसके साथ बेन स्टोक की तरफ से एक ताबड़तोड़ 120 रन देखने को मिला। वनडे की तरह वो खेले, 128 बॉल 120 रन बनाए और जो भी बल्लेबाज आए वो अटैक करके ही खेले। जैसे क्रिस ओक्स 41 रन बनाए, फोक्स भी 33 और बेस्ट तो 20 रन बनाए। तो ऐसे तीनों बड़े बल्लेबाज जैसे कि रूट 153, लॉरेंस 91 और स्टोक्स की 120 के बदौलत थी उन्होंने 507 रन बनाए। ऑल आउट नहीं हुए, 9 विकेट ही गिरा, उसके बाद वो डिक्लेरेशन दे दे, उसके बाद जब वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने आया तो अभी अगर बात करें तो कैम्पबेल तो बहुत जल्दी आउट हो गए 4 रन बनाकर ही। उसके बाद ब्रेथवेट और ब्रुक्स जो कि तगड़े बल्लेबाज है वो अभी तक क्रीज पे नॉट आउट है, 28 रन बनाए हैं ब्रेथवेट और ब्रुक्स 31 रन बना चुके हैं और अभी तक नॉट आउट हैं। तो ये भी लगता है शायद ड्रॉ की तरफ जा रहा है मैच, क्योंकि इनका भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है और वो एक ही विकेट गिरा है और 71 रन ये भी बना चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे ही अपडेट आएगा कुछ तीसरे दिन का तो उसका भी अपडेट लेके आपके साथ जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।